नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में, आज उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। बजट से पहले फिर बैठक करेंगे सीएम, देखिए क्या है अगली कैबिनेट मीटिंग की तारीख। कई अहम मुद्दों पर बन सकती है राय, साथ ही बताएंगे हफ्ते भर के अंदर तीसरी कैबिनेट बैठक के पीछे की इनसाइट स्टोरी। बीजेपी की आक्रोश रैली, सुनिए क्यों जयराम ठाकुर ने कहा 5 साल भी नहीं चल पाएगी सरकार। रंगों से भरे त्योहार को तैयार मंडी, आगे देखिए ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी बड़ी अपडेट। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की, और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से। सीएम सुक्खू ने फिर बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। 6 मार्च को राज्य सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है, दोपहर 2 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। तो एक के बाद एक बैठकें हो रही है, सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट बैठक में, तो 10 गारंटियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है इस बैठक में। सीएम सुक्खू ने फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है, तो 6 मार्च को राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की यह 5वीं बैठक होने जा रही है, तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है, 10 गारंटियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू ने फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है, 6 मार्च को राज्य सचिवालय में बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की 5वीं बैठक होने जा रही है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। विकास, एक बार फिर हिमाचल मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो बुला ली गई है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार ये मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने बुलाई है। ऐसे में दोपहर 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, 6 मार्च यानी कल सोमवार को ये बैठक जो है राज्य सचिवालय में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। तमाम मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि इस बैठक में पहुंचे और अपने अपने विभागों को लेकर जो प्रस्ताव है या जो कार्य योजना है, किस तरह से आंकलन जो है वो किया गया है, और ये तमाम चीजें जो है वो लेकर जो है एक प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट के भीतर मंत्रिमंडल को देनी होगी। इन तमाम चीजों के बीच एक बात बड़ी अहम हो जाती है कि जो ओपीएस है उसको लेकर देखिए, पहले ही वायदा किया गया और उसे धरातल पर उतारा गया, पूरा किया गया, और पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो है उसे पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब आगे की गारंटियों के बारे में बातचीत की जा रही है। आगे की गारंटियों में सबसे पहले जो कैबिनेट सब कमेटीज बनाई गई है, ये माना जा रहा है, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोई और बड़ा अहम फैसला जो है वो यहाँ पर सुक्खू सरकार कर सकती है। वो सबसे अहम फैसला जो है ये बताया जा रहा है कि या तो जो कैबिनेट सब कमेटी है उसके प्रस्ताव के ऊपर, उसकी कार्य योजना के ऊपर, और जो विस्तार से जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था वो जानकारी जो है कल साझा की जा सकती है मंत्रिमंडल के साथ। उसमें जो 1500 रुपए महिलाओं को देने हैं, किस तरह से वो दिए जा सकते हैं, महिलाओं की क्या उसमें रेशियो रहने वाली है, क्योंकि ये बताया जा रहा है 10,53,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये लाभ जो है यहाँ पर मिलना है, इस जो गारंटी है उसके भीतर जो है ये महिलाएं आती हैं। ऐसे में नई आबकारी नीति है, नई आबकारी नीति को लागू करना है। पिछली कैबिनेट की बैठक में देखा गया कि टोल टैक्स जो है उसकी नीति को यहाँ पर लागू किया गया है। कोविड काल से ही ये देखा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी टोल टैक्स बैरियर्स हैं या फिर नई जो शराब के जो ठेके हैं उनकी नीलामी यहाँ पर नहीं हो पाती, लिहाजा इस मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम मसले जो है वो जा सकते हैं। और इसके साथ ही कई अहम पद जो है वो भरे जा सकते हैं, नई नौकरियां जो है उनका पिटारा सुक्खू सरकार यहाँ पर खोल सकती है। साथ में जो बजट सत्र होगा, आगामी बजट सत्र, उसके लिए नए विधेयक और नई चीजें किस तरह से जो है वो चलने वाला है बजट सत्र, उसको लेकर विस्तार से चर्चा यहाँ पर संभावित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की, रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष की आक्रोश रैली, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कुल्लू में बीजेपी की आक्रोश रैली होने जा रही, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान इस बीच सामने आया, सुक्खू सरकार का 5 साल का कार्यकाल
नहीं होगा पूरा, ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया उन्होंने। सुक्खू सरकार तालाबंदी के लिए जानी जाएगी, तो नेता प्रतिपक्ष की आक्रोश रैली निकाली यहाँ पर गई है, और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बड़ा बयान, सुक्खू सरकार का कार्यकाल नहीं होगा पूरा, ये बयान दिया है। जनता 3 महीने में सरकार से त्रस्त आ चुकी है, सुक्खू सरकार तालाबंदी के लिए जानी जाएगी। बदले की भावना से काम वर्तमान सरकार कर रही है, ये दौर कभी देखने को आज से पहले कभी नहीं मिला। हिमाचल में बहुत सारे नेता लंबे समय तक सत्ता में रहने का अनुभव रखते थे, कटुता थी आपस में, विरोध होता था, लेकिन उसके बावजूद विकास को ताला लगाने के लिए किसी ने काम नहीं किया। ये पहली सरकार है जिसने 11 तारीख को शपथ ली और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी शुरू कर दी। जो भाजपा ने संस्थान खोले हैं उन संस्थानों को बंद करने की शुरुआत की, और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी सरकार को अगर मैंडेट होता है तो वो 5 साल के लिए होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में जो संस्थान जो विकास के लिए जो हमने खोले थे, लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे, उनको बंद कर दिया गया। और इस बात को लेकर के भी हम बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इस प्रकार की, ये शुरुआत करके आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो हमें भी जो कांग्रेस का कार्यकाल जितना भी रहेगा, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, जो भी कार्यकाल रहेगा, 5 साल का कार्यकाल संभावना नहीं है पूरा होने की सरकार की जो लग रहे हैं हालात, लेकिन पूरे कार्यकाल के निर्णयों को भी रिव्यू करेंगे और जहां बदलने की जरूरत होगी वहां पर उनको बदलेंगे। और आज जो सड़कों के काम सारे बंद कर दिए गए, सड़कों में जो काम करने वाले जो ठेकेदार, उनकी LOC पिछले सरकार, ये सरकार बनने के बाद जो है सबकी बंद कर दी है। IPH में भी, PWD में भी और दूसरे विभागों में टेंडर जितने भी हुए थे अधिकांश टेंडर रद्द कर दिए गए, अधिकांश टेंडर रद्द नहीं किए तो उनको रोक दिया गया है। और इसका अभिप्राय बड़ा सीधा सा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात हो गए हो जाएंगे आने वाले समय में, ऐसे अपनी बात में कहा। और जहाँ हम कहते थे शिखर की ओर हिमाचल, और यहाँ सही मायने में इनके नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में श्रीलंका की ओर हिमाचल हो रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने की है, और इस दौरान उन्होंने निष्क्रिय नेताओं को 2 टूक चेतावनी दी है और कहा है कि वे संगठन की मजबूती के लिए जुट जाएं। बैठक में सामने आया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर कुछ ब्लॉक धीमी गति से काम हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भी उनका कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी से जुड़े, और उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की वो संदेश हमने हर क्षेत्र तक, हर स्टेट में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो जो ये BJP के लोग ये कहते हैं कि वो सफल नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारे को हमारी स्टेट हम उसमें कांग्रेस सफलता नहीं हासिल कर पाई, ये बिल्कुल निराधार बात है। और हम इस अभियान को जारी रखते हुए हम हर क्षेत्र में जाकर ब्लॉक स्तर पर और घर डोर टू डोर जाकर इस संदेश को देंगे, ताकि अगला चुनाव भी हमारा 2024 में होने जा रहा है। उधर गैस के बड़े दामों को लेकर BJP लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। अब हमीरपुर में पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को रसोई घर चलाने में दिक्कत हो रही है और इन गैस के दामों में बढ़ोतरी कर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस बीच उन्होंने 10 गारंटियों को लेकर घिर रही कांग्रेस पर भी सफाई दी और कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से 10 गारंटियों के वायदे को भी जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे है कि अभी जो आपके नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं उसके बाद ही एकदम इन्होंने वृद्धि की है। असल में गैस और जो पेट्रोल है इनके दामों को बढ़ाकर ही जो पैसा है वो सेंट्रल सरकार
अपने लिए यूज करती है, किसी भी और हेड में यूज करती है उसको, तो इन्होंने इलेक्शन करके तो बढ़ाए नहीं, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ इन्होंने एकदम गैस के जो कीमत है वो बढ़ा दी है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक गैस का आपने कीमतें बढ़ाई हैं, ये आपने घरेलू महिला पर बहुत ही बड़ा वार किया है। विपक्ष का तो काम है कि आपने कोई ना कोई नुक्स जो बैठी हुई सरकार है उसके निकालने। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक 2 महीने नहीं हुए हैं सुखू जी को अपना स्थान ग्रहण करने में, उस पर जो ये ताने दे रहे हैं मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, इनको समय दीजिए। और इन्होंने जैसे कहा कि हमारी सारी संस्थाएं बंद कर दी हैं जो इन्होंने अनाउंस की थी, ऐसी बात नहीं है, सुखू जी उस पर विचार कर रहे हैं। उधर बद्दी में भगवान भी चोरों से प्रताड़ित हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बस्ती बाग में लक्ष्मी नारायण मंदिर में देर रात ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर की खिड़की से एक चोर ने अंदर जाकर मंदिर में रखे आभूषण और नकदी चुरा ली, जिसके बाद वो चोर फिर से खिड़की से वापस चला गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जब पुजारी ने मूर्तियों पर लगे आभूषण और नोटों का हार गायब पाया तो उन्होंने मंदिर कमेटी प्रधान को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और यह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। से भरी होली के त्योहार को लेकर मंडी शहर पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। व्यवस्थाओं का खाका तैयार करते हुए एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कासेरी मंच पर होने वाले होली कार्यक्रम को लेकर शहर में एक तरफा ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। इस दौरान विक्टोरिया पुल से लेकर सैरी मंच तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सिविल ड्रेस में भी पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी, ताकि कोई भी हुड़दंग करता यहां पर पाया गया तो फिर उसके खिलाफ पुलिस सख्त सख्त और जल्द से जल्द निपट सकेगी। इसके साथ ही एसपी ने लोगों से भी आग्रह किया है ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें और शांतिपूर्वक ढंग से होली का पर्व मनाए। तो होली के त्योहार को देखते हुए शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। जहां पर ज्यादातर भीड़ या ट्रैफिक की आशंका हो उसको देखते हुए भी ये व्यवस्था की गई है। जैसे कि डीसी ऑफिस से एक नोटिफिकेशन हुई है जिसमें 6 तारीख को मंडी में होली का जो महोत्सव है वो हर साल की तरह मनाया जाएगा। इसमें हर वर्ष की भांति जो है शहरी मंच पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें विक्टोरिया से जो शहर की तरफ आने वाली व्हीकल है उसको हम वन वे डाइवर्ट करते हुए भूली की तरफ ले जाएंगे और बाकी सारी व्यवस्था जो है रूटीन तौर पे चलती रहेगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और किसी प्रकार की कोई घटना जो है असामाजिक या अदरवाइज इलीगल कोई घटना ना हो घटित, इसके लिए हमारी सिविज में और ड्यूटी जो है नॉर्मल यूनिफॉर्म ड्यूटी टीम्स जो एक्टिव रहेंगी। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। बिलासपुर में परिवहन विभाग गश्त सख्त दिखाई दिया, जिसके चलते परिवहन अधिकारी रामपाल ने वाहनों का औचक निरीक्षण किया और जिन बसों में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाया गया था उन वाहनों का चालान काटा। थी कि ये गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं, सवारियों को टिकट नहीं देते हैं और ड्राइवर कंडक्टर यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, तो इनके चालान किए गए हैं और इनको हिदायत दी गई है कि भविष्य में सभी पैसेंजर्स को टिकट जरूर देंगे और बसों को जो है सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी नहीं बिठाएंगे। हमारा मकसद है कि चलान करना नहीं है, हमारा मकसद है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का एक जो अभियान भारत सरकार की द्वारा भी चलाया जाता है उस पर हम अमल करें।
मानव हित में बहुत सारे दान की प्रक्रिया देश अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो में एक दान ऐसा भी है जिसमें कि मेडिसिन दान किया जाता है, जिसका शुभारंभ जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी ने किया। उधर नगर परिषद हमीरपुर नगर परिषद ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार ने की है। इस दौरान हमीरपुर शहर में अवैध तरीके से लगाई जा रही रेड़ियों को हटाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और स्वच्छता पर लग रहे ग्रहण को लेकर कार्य करेगी। आज हमारी जो नगर परिषद हमीरपुर की जो मासिक बैठक है, उसमें कई प्रकार के हमारे मुद्दे जो थे वो उनको ऊपर हमने चर्चा की। जैसे गांधी गेट का लाइट्स का काम, वो दो साल से दो क्या एक डेढ़ साल से रुपये वो मतलब काम हो चुका है उसका, तो उसके पीछे लाइट्स का टेंडर नहीं लग पाया, चार संहिता थी, अब उसका आगे से उसकी ये करेंगे। आगे गांधी गेट चौक का काम भी हम जल्दी उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो रेड़ियाँ लगी हैं, तो उन रेड़ियों को हम मतलब उठा करके और जगह एडजस्ट करेंगे और वहाँ पर बेंचेस वगैरह मतलब एक छोटा सा अच्छा सा पार्क बनाने की कोशिश करेंगे। एक और युवा पीढ़ी आज के समय में जहां अपने खेतीबाड़ी और पशुपालन जैसी पुश्तैनी व्यवस्था से विमुख हो रही है, वहीं एक कुछ युवा पुरुषों से विरासत में मिली खेतीबाड़ी की सीख को अपनाने के साथ आधुनिक तरीके से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाकर समाज के लिए नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक बानगी ज्वाली के गढ़ जरोठ गांव में देखने को मिली। बता दें कि विवेक कुमार खेतीबाड़ी की सीख को अपनाने के साथ ही आधुनिक तरीके से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाकर समाज के लिए नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उधर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लामुखी के गीता भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन विधायक संजय रत्न ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे। शिविर में मरीजों को जांच के बाद निःशुल्क दवा आदि भी मुहैया करवाई गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से दरअसल विधायक चैतन्य शर्मा के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि गगवेट के आपको बता दें, और साथ ही साथ चैतन्य शर्मा ने कहा कि उन्होंने गगरेट द ग्रेट विजन का सपना देखा है, जिसके साकार करने के लिए मैदान पर काम करना शुरू कर दिया। कुल्लू की मणिकरण घाटी में पंजाब के तीन युवकों की ओर से स्थानीय युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, तो वहीं घायल युवक के परिजनों ने भी एसपी के समक्ष उचित कार्रवाई करने की मांग रखी है। ये वही आरोपी युवक थे जिन्होंने दो दिन पहले पंडोह में एक स्थानीय युवक के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया था। माता श्री चिंतपूर्णी चैत्र नवरात्र मेला 22 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बता दें आपको कि सुरक्षा व्यवस्था में 450 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। एडीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेला क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया है। कुल्लू में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारियां पर कर ली है और इस बार का मुद्दा विकास होने वाला है। वहीं बीते दिनों तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिलने पर भी जनता का आभार उन्होंने जताया। सोलन के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जेबीटी की काउंसलिंग की गई। हिमाचल के सभी जिलों से अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए डाइट सोलन पहुंचे थे और यहां पर कुछ लोग डीएड को जेबीटी काउंसिल में शामिल करने को लेकर विरोध करते हुए भी दिखाई दिए। धर्मशाला में वन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने दरअसल विभागीय कर्मियों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात के बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।